आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो जो बच्चे जुड़ चुके हैं, राहुल, रोहित, अमित भारद्वाज, चंदन, गणेश, सेल्फ स्टडी, प्रिंस कुमार, परी चौधरी, प्रिंस कुमार, शिवशंकर प्रसाद सिंह, नीतीश कुमार, गणेश कुमार, शिव पूजन कुमार, राहुल कुमार, चलिए जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं उस सभी को मेरा नमस्कार। आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ये टॉपिक आपका लगभग 1 वीक चलेगा, 1 सप्ताह तक, और 1 सप्ताह में ये आराम से ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग शुरुआत करेंगे, जो चैप्टर का नाम है वो है लाभ और हानि। लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपका चैप्टर का नाम है। आज प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है रेशियो, पार्टनरशिप, परसेंटेज, और ये चौथा अर्थमेटिक का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। और नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिए हैं और एलजेब्रा को भी कंप्लीट कर लिए हैं। एक बच्चा बार बार पूछा ये बैच किस चीज़ के लिए है। ये बैच आपका स्पेशल फॉर जीडी के लिए है, ग्रुप डी के लिए है, एनटीपीसी सीवीटी 2 के लिए है, ये बैच एमटीएस के लिए है, ये बैच आपका सीएचएसएल के लिए है, बट ये बैच सीजीएल के लिए नहीं है या सीजीएल मेंस के लिए नहीं है। उसके लिए अलग बैच आएगा, वो 25 तारीख से आएगा, ठीक है, शाम के 6 बजे सीजीएल स्पेशल बैच। उसमें आपका जीरो टू हीरो लेवल पढ़ाएंगे। ये टारगेट बैच है, ठीक है। तो चलिए, लाभ हानि जो है इसमें आपका 2-3 चीज को ध्यान से देखना है। इसमें एक वर्ड आएगा आपका कॉस्ट प्राइस, एक वर्ड आएगा आपका सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब आपका कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब आपका कॉस्ट प्राइस, और एसपी मतलब आपका सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब आपका सेलिंग प्राइस, ध्यान दीजिएगा। और आपका इसमें एक दो वर्ड और आएगा, एक आएगा प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब आपका लाभ हो जाता है, लाभ हो जाता है, और ये आपका क्रैमूल कहलाता है, यह आपका हिंदी में क्रैमूल कहलाता है, ये हिंदी में आपका विक्रैमूल कहलाता है। आप गौर से सुनिए, 2-4-5 मिनट आप बकैती मत करिए, बातचीत कम करिए, समझिए। प्रति लाभ हो गया, और इसमें एक वर्ड आपका और यूज होगा लॉस। लॉस का मतलब हानि। कुछ बच्चा अंकित मूल बोल रहा है और डिस्काउंट बोल रहा है, तो अंकित मूल और डिस्काउंट की बात आपको डिस्काउंट वाले चैप्टर में करेंगे जस्ट इसके बाद। तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा। आपका लाभ तभी होता है, लाभ तभी होता है जब आपका एसपी बड़ा हो सीपी से, एसपी बड़ा हो सीपी से तो लाभ होता है, और लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, यानी कम में खरीद के लाए और ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। मान लिया जाए 50 रुपया में खरीद के लाए, 60 रुपया में बेचेंगे तो लाभ होगा, लेकिन हानि तब होगा जब आपका सीपी ही बड़ा हो जाए और एसपी आपका छोटा हो, यानी आपका सीपी माइनस एसपी, ये आपका हानि होता है। हानि तब होता है जब आप जितना में खरीद के लाए हैं उससे कम में आपने बेचा, 50 में खरीद के लाए और 30 में बेचेंगे तो हानि हो जाएगा 20 रुपया का। तो इसमें आपको प्रतिशत लाभ बराबर आपका होता क्या है, प्रतिशत लाभ बराबर, ये पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट, जगह नहीं है इसलिए तीसरा पॉइंट यहां लिख रहे हैं। प्रतिशत लाभ बराबर होता है आपका
लाभ गुना सौ, लाभ गुना सौ और बटा क्रयमूल, लाभ गुना सौ बटा क्रयमूल, यानी प्रॉफिट इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू आपका प्रॉफिट इनटू 100 बटा आपका सीपी। और अगर आपसे प्रतिशत हानि की बात करेगा, प्रतिशत हानि की बात करेगा, तो आपका हो जाएगा हानि, हानि गुना सौ अब बटा क्रयमूल, हानि गुना सौ बटा क्रयमूल हो जाएगा। ये प्रतिशत हानि का बात हो गया। तो ये चार गो शब्द आया है, तो आप देखिए जो भी आपका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का काउंटिंग हुआ वो बेस क्रयमूल पे हुआ, वो बेस किस पे हुआ, क्रयमूल पे हुआ। यानी लाभ हानि आप तभी बता सकते हैं जब आपको क्रयमूल और विक्रयमूल मालूम हो। अगर क्रयमूल और विक्रयमूल नहीं मालूम होगा तो आप प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि नहीं निकाल सकते हैं। यानी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने के लिए आपको क्रयमूल और विक्रयमूल के बारे में पता होना चाहिए। तो इतनी सारी बातें बताने के पीछे एक ही रीजन था कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के लिए आपका बेस क्रयमूल होना चाहिए, अर्थात प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना आपका क्रयमूल पे किया जाता है। बात समझ में आया? इतना सा बात आपको समझ में आया? जल्दी से बताइए। राकेश चौधरी अब पढ़ लीजिए, हो गया आपका शायरी, हो गया आपका शायरी। राकेश चौधरी जी आप पढ़िए। देखिए अर्थार्थ हम लोग लिख सकते हैं, अर्थार्थ अर्थार्थ प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना, प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना क्रयमूल पे की जाती है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना क्रयमूल पे की जाती है, क्रयमूल पे की जाती है। ठीक है, प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना क्रयमूल पे की जाती है, अर्थात प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करना हो, हानि ज्ञात करना हो तो, हानि ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम, सर्वप्रथम क्रयमूल और विक्रयमूल का, क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो ज्ञात करना होगा, क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात ज्ञात करना होगा, अनुपात ज्ञात करना होगा। ठीक है, कभी भी आपको प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो ज्ञात करना है। जैसे मान लिया जाए आप किसी वस्तु को 20 रुपया में खरीद के लाए और उसको आपने 30 रुपया में बेच दिया, 20 रुपया में खरीद के लाए और 30 रुपया में बेच दिए, तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछेगा कितना हुआ, तो आप तुरंत कहिएगा प्रतिशत लाभ बराबर आपका लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल। यानी आपका लाभ आपका 10 का हुआ, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल जो कि आपका 20 है, तो 20 पचे 100, 10 पचे 50% आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसको इतना लिख के नहीं करेंगे, आप ये सोचिएगा 20 रुपया में खरीदा और 30 रुपया में बेचा,
यानी 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ। 10 रुपया का प्रॉफिट कितना पे हुआ? तो सर 20 पे हुआ। 20 को नीचे इसलिए रखेंगे क्योंकि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए बेस आपका क्रैमुल होना चाहिए। तो 10 रुपया का प्रॉफिट 20 रुपया में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, आंसर हो जाएगा 20 25 100%, यानी 50%। दूसरा चीज हम इसमें ये बोलेंगे, इसमें दूसरा चीज ये बोलेंगे, देखिए देखिए, अगर कभी भी आपका हम ये बोले कि कोई वस्तु 100 रुपया में खरीद के लाए और 140 रुपया में बेचे, तो आप तुरंत कहेंगे 100 के सामान को 140 में बेचे मतलब 40% लाभ, 100 के सामान को 130 में बेचे मतलब 30% लाभ, 100 के सामान को 120 में बेचे 20% लाभ, 100 के सामान को 180 में बेचे 80% लाभ, 100 के सामान को 300 में बेचे यानी 200% लाभ, 100 के सामान को 80 में बेचे 20% हानि, 100 के सामान को 60 में बेचे 40% हानि। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो जाए तो प्रतिशत लाभ हानि निकालना आसान हो जाता है। तो अगर आप कॉस्ट प्राइस 100 बना सकते हो तो आप डायरेक्ट बना लीजिएगा, 100 लाने के लिए 5 से गुना, तो रेशियो का नियम है इधर भी 5 से गुना, तो 100 के सामान 150 में खरीद बेचिएगा तो आपका 50% लाभ होगा। 100 के सामान 150 में बेचिएगा तो 50% का लाभ होगा। अगर मान लिया जाए कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपका, मान लिया जाए आपका 40 है और इसका सेलिंग प्राइस जो है आपका 30 है, आपसे पूछेगा 40 रुपया में खरीद के लाया और 30 रुपया में बेचा, कितने प्रतिशत का हानि हुआ? तो आप कहेंगे 10 रुपया कम में बेचा, तो 10 रुपया का हानि हुआ कितना में? 40 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, प्रतिशत के लिए 100 से गुना यानी 25%। कितना परसेंट? 25%। ठीक है राहुल कुमार सर जी, परसेंटेज का पूरा प्लेलिस्ट नहीं है, करवा देंगे परसेंटेज का पूरा, ठीक है सीजीएल तक होगा भाई, सीजीएल के लिए नया बैच आएगा स्पेशल 6 बजे। ये बैच केवल जीडी, ग्रुप डी, एमटीएस और आपका एनटीपीसी के लिए है भाई ये बैच, और स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए। सीजीएल मेंस इससे नहीं हो पाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, सीजीएल मेंस के लिए बैच टारगेट ही नहीं है। ये बैच टारगेट है आपका जीडी के लिए, एमटीएस के लिए, सीएचएसएल के लिए और आपका ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए बस, और स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए। आप लोग पीडीएफ के लिए इसमें बहुत सारा बच्चा पीडीएफ नहीं समझ में आता है। देखिए पीडीएफ में सबसे बड़ा परेशानी है ना कि मेरे नाम से 3-4 गो टेलीग्राम बना लिया फर्जी, और टेलीग्राम फर्जी बना लिया है और उसको बच्चा लोग ज्वाइन कर लिया तो उसको वहाँ पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ तो ओरिजिनल टेलीग्राम पे मिलेगा। एक काम करते हैं, पीडीएफ अपने ऐप पे डाल देते हैं, ऐप पे जाके पीडीएफ सीक्वेंस से मिल जाएगा, क्या कहते हैं? पीडीएफ जो है ऐप पर डाल दूँ क्या? ऐप पर पीडीएफ डालेंगे फ्री पीडीएफ तो आपका सारा का सारा आ जाएगा। हाँ एमटीएस के लिए क्लियर है, सीएचएसएल के लिए क्लियर है। या देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आप यहां से 0 हटा दो, 4 और 3 है, कॉस्ट प्राइस को 100 बनाने के लिए कैसे गुना? 25 से गुना, तो यहां भी 25 से गुना कर दो। आप देखिए 100 के सामान को 75 में बेचेंगे यानी 25% का लॉस होगा, 100 के सामान को 75 में बेचेंगे यानी 25% लॉस होगा।
अंकित वर्मा तुम बेवकूफ है, ऐप पर नेट कुछ नहीं ज्यादा लगता है, ऐप पर क्वालिटी कम करके देखो नेट कम लगेगा, क्वालिटी तुम हाई रखेगा नेट ज्यादा लगेगा। पढ़ाएंगे हम इसको यूट्यूब पर ही। ये जो पीडीएफ है आपको सीक्वेंस है, अगर चाहते हैं पीडीएफ तो ऐप पर डालेंगे तभी सीक्वेंस आएगा। शंभु कुमार अहीर, आपका पीडीएफ इस आपका ऐप इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि आपने अपडेट नहीं किया है। जिनको ऐप में दिक्कत है इस नंबर पर मैसेज करो, सब खुलना स्टार्ट हो जाएगा, सबका खुल रहा है आपको नहीं खुल रहा है। ऐप का नाम सीजेड कैंपस। ऐप का नाम सीजेड कैंपस। चलिए देखिए आप सवालों पे आते हैं, आप लोग बात आप लोग ना आपसे गप करवाओ ना तो एक से एक गप करेगा, और क्वेश्चन बनाने दो तो टेंशन में आ जाओगे। आपसे बातचीत करो तो वो उसमें आपको बड़ा मजा आता है बतियाने में, बट आपको बनाने में दिक्कत लगता है। चलो सवालों पे आते हैं, देखिए एकदम छोटे छोटे सवाल से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इसके गहराई पे उतरते जाएंगे। 90 क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है और 90 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वो काफी होगा। 90 सवाल मैंने लिखा है। इसके बाद का चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट के बाद आपका CI पढ़ेंगे, देन एलिगेशन। चलिए एक दुकानदार 600 रुपये में एक रेडियो खरीदा, एक दुकानदार 600 रुपये में एक रेडियो खरीदा और उसे 720 रुपये में बेच दिया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ होगा? यानी कॉस्ट प्राइस आपका 600 है और सेलिंग प्राइस आपका 720 है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? मैंने आपको पहले बोला एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करूंगा और इसको धीरे 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 हाई लेवल को लेके चले जाएंगे, ठीक है? तो अभी मत सोचिएगा सर इतना आसान सवाल आएगा क्या, आता है। देखिए 600 में खरीद के 720 में बेचने का मतलब 120 का प्रॉफिट कमाया है 600 पर, 120 का प्रॉफिट 600 में प्रतिशत के लिए 100 से गुना, यहां से यहां जीरो खत्म, 6 × 12 आंसर हो जाएगा 20%। लेकिन अगर आप तेज तरार हैं तो मैंने आपको पहले बोला कि कॉस्ट प्राइस को 100 बना लो तो आपका ज्यादा आसान हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस को 100 बना लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए 600 में खरीदा और 720 में बेचा, अगर 6 से इसको काट देंगे तो 120 हो जाएगा, यानी 100 में खरीद के 120 में बेचेगा यानी 20% का लाभ होगा, 100 में खरीद कर 120 में बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। अगर आप जितना कोशिश करिए कम से कम लिखने का तो जैसे देखेंगे 600 और 720 तेईस कट रहा है तो 120, 100 में खरीद के 120 में बेचा यानी 20% का लाभ होगा, ठीक है? आगे आ जाइए। दूसरा नंबर सवाल देखिए है, दिखाई तो दे रहा है ना, एकदम छोटे छोटे सवाल से शुरू किए, एकदम जीरो लेवल से। अब इसके पहले कुछ नहीं होता है प्रतिशत लाभ हानि में, यकीन मानो एकदम जीरो से शुरुआत किया हूं, जो कभी नहीं पढ़े होंगे उनको भी समझ में आएगा, तो अंत तक आप इसमें बने रहिए, ठीक है? 800 रुपये में खरीदा और 600 में बेच दिया, यानी कॉस्ट प्राइस आपका 800, कॉस्ट प्राइस 800 और सेलिंग प्राइस आपका 600। सर जी 200 का हानि हो गया, 200 का हानि किस पे हुआ? 800 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, यानी 1/4 का लॉस, और 1/4 बच्चा बच्चा जानता है 25% का लॉस हुआ।
कितने का लॉस हुआ, 25% का। लेकिन एग्जाम में अगर बैठे हैं तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आप फास्ट करिए, 800 में खरीद के 600 में बेचा तो इसको काटिएगा तो 75 बार में कट जाएगा, 75 बार में कट जाएगा, यानी 100 के सामान को 75 में बेचा यानी 25% हानि, 100 के सामान को 75 में बेचा यानी 25% का हानि हो गया। सही है भाई? बोलो तुमको समझ में कुछ आता है, समझ में तुमको कुछ आ रहा है, बताओ जल्दी से। दीपक कुमार, प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिन तक चलेगा सर? इस वीक में समाप्त हो जाएगा। बोलो समझ में कुछ आता है, जल्दी बोलो, वरना दोनों पैरों को बांधकर उल्टा लटका दूंगा और नीचे से सांप को छोड़ देंगे हम। तीसरा बनाइए, चलिए देखिए। लिखा है रमेश एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और उसे बेच दिया, पूरे लेन देन में 12% का लाभ हुआ, रमेश ने उस वस्तु को कितने रुपया में बेचा? देखिए अगर आपको कभी भी आपको इस टाइप का सवाल रहे तो सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लीजिएगा। देखिए आपका 12% का लाभ हुआ, यानी अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 मानेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 मानेंगे और प्रॉफिट आपका 12 हुआ, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस 112 हुआ। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, अगर उसे 12% का लाभ हुआ तो इस प्रकार के प्रश्न में बेस आप 100 मान के चलिए, या फिर इसको फ्रैक्शन से सॉल्व करिए। अगर कॉस्ट प्राइस 100 मानेंगे तो 100 में 12% का लाभ यानी 12, यानी सेलिंग प्राइस 112। यहां देखिए 2000 में खरीदा है तो 2000 का तुलना, 2000 का तुलना आपका 2000 नहीं 20,000, 20,000 का तुलना 100 से, 20,000 का तुलना 100 से, और सेलिंग प्राइस निकालना है 112 से गुना होगा, 00 कट जाएगा, 112 दुना 224, इस पे आपका 00 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सॉरी 112 होगा। दीपक कुमारी बहुत गलती पकड़ते हैं, 112 होगा। हाँ अरे भैया वो मिस्टेक से लिखाया है ना, आप फीलिंग को समझो ना, आप फीलिंग समझ रहे हैं ना, 12 लिखे हैं लेकिन तुम समझो 112 है वो। चलिए इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 12% का लाभ हुआ, 12% के मतलब 12/100, 12/100 के मतलब आपका कॉस्ट प्राइस अगर 100 तो प्रॉफिट आपका 12, कॉस्ट प्राइस 100 तो प्रॉफिट 12, यानी सेलिंग प्राइस 112। यहां देखिए 20,000 आपका कॉस्ट प्राइस है, इसका तुलना 100 से, आपका 100 आपका 12% लाभ पर बेचेगा तो 112 में बेचेगा तो 112 से गुना कर दीजिए, आंसर ये हो जाएगा। लेकिन इस सब चीज को मन में करिए, ये सब चीज को मन में करिए, जैसे ही लिखेगा 12% का लाभ है तो मन ही मन समझिए क्रयमूल 100, 12% लाभ यानी 112 विक्रयमूल, कॉस्ट प्राइस आपका तुलना 100 से, विक्रयमूल का तुलना निकालना है विक्रयमूल से गुना, आंसर हो जाएगा जो 22,400। ठीक है, मैं पढ़ाई के लिए फीलिंग बोला हूं, तुम अपना वाला फीलिंग मत उतारो इसमें। यहां आ जाइए चौथा। सुरेश ने 26,000 में एक बाइक खरीदा और उसे बेच दिया, पूरे लेन देन में उसे 18% की हानि हुई,
तो सुरेश ने उस वस्तु को कितने में बेचा? मन ही मन सोचिए, 100 में खरीदा होगा, 18 का लॉस हुआ होगा, यानी बेचा होगा 82 में। बेचा होगा कितना में? 82 में। तो 26,000 का तुलना 100 से और 18% का लॉस, मतलब 82 में बेचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन है, जीरो तो एगो होगा ही होगा, और यूनिट पैलेस पे आपका 6 × 12 इकाई अंक 2 होगा, तो ये ऑप्शन छूट जाएगा, पूरा गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 6 × 12 और 8 × 48 = 49 और 2 × 4 = 49 और 4 = 53 दहाई अंक 3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। और ये आपका 8 × 16 = 16 × 5 = 21 आपका आंसर हो जाएगा 21,320। मनीष कुमार जी, रीजनिंग के बैच के लिए आप ऐप पे चले जाइए और ऐप पर आपका रीजनिंग का आपका 02 हीरो बैच आप ले लीजिए। वो 1 ईयर वैलिडिटी है उसका, 1 ईयर वैलिडिटी है 1 साल के लिए। फी मात्र आपका 899 है, और अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और यहाँ से आपको सजेशन दे दिया जाएगा कि आप किस प्रकार एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ऐप पर खुद से परचेज करना चाहते हैं तो खुद से कर लिए, वरना इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, पांचवा आ जाइए। बिल्कुल विवेक कुमार, इस बैच से CHSL हो जाएगा लेकिन मैथ केवल हो पाएगा। मैं CHSL का वादा नहीं किया, मैं बोला हूं CHSL के मैथ कंप्लीट हो जाएगा आपका, CHSL का मैथ कंप्लीट हो जाएगा। यहां देखिए, रीता ने अपनी घड़ी 700 में बेच दिया, ये विक्रयमूल्य दिया है, और उसे 40% का लाभ हुआ, तो कितने में खरीदा था? एकदम जीरो से स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो आपका 700 विक्रयमूल्य है, 700 रुपया क्या है? विक्रयमूल्य है, और विक्रयमूल्य का तुलना विक्रयमूल्य से करेंगे। अगर वो 40% का लाभ कमाया है, इसका मतलब क्रयमूल्य 100, 40 लाभ, विक्रयमूल्य 140, तो 700 का तुलना 140 से, क्रयमूल्य निकालना है 100 से गुना, 14×5=70, आंसर 500 हो जाएगा, आंसर 500 हो जाएगा। एक चीज और, इस चीज को आप ऐसे फ्रैक्शन से भी सोच सकते हैं, 40% का लाभ, 40% को क्या बोल सकते हैं? 2/5, यानी कॉस्ट प्राइस 5 तो प्रॉफिट दो तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 5 × 7, सेलिंग प्राइस 7 हो जाएगा। 2/5 के मतलब 5 के समान में 2 का प्रॉफिट हुआ, यानी बेचा होगा 7 में, तो 700 का तुलना 7 से, कॉस्ट प्राइस निकालना है 5 से गुना, आपका आंसर हो जाएगा 500। चलिए आगे, धीरे धीरे हम लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे। मनीष कुमार, रीजनिंग के बैच के लिए मैंने बता दिया, अब एक ही चीज को मैं कितना बार बताते रहूं। रीजनिंग का बैच आप जाके मेरे ऑफिस में ऑफलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं, ऐप से खुद भी पेमेंट कर सकते हैं, और अगर इससे भी नहीं होता है तो मेरा जो इंक्वायरी नंबर है 9608860786, उस पे कॉन्टेक्ट करके भी परचेज कर सकते हैं। देखिए,
सीता ने अपनी घड़ी 900 में बेच दी और से 40% का हानि हुआ। उस घड़ी को कितने रुपया में खरीदी है यानी क्रेमुल निकालना है, तो 40% का हानि हुआ। 40% का हानि हुआ यानी अगर कॉस्ट प्राइस 100, 40 का आपका लॉस यानी सेलिंग प्राइस 60 का हुआ, तो सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से और कॉस्ट प्राइस निकालना है 100 से गुना, 15 × 90, आंसर भैया 1500 है, ये रहा। ठीक है, इसको अगर फ्रैक्शन से करेंगे तो इसको इस प्रकार से कर सकते हो, 40% का मतलब 2/5 यानी 5 आपका कॉस्ट प्राइस, लॉस आपका 2 यानी सेलिंग प्राइस आपका 3, क्योंकि 5 रुपया में खरीद के 2 रुपया के हानि में बेच दिया यानी 3 में बेच दिया। यहाँ 900 का तुलना 3 से करेंगे और आपका कॉस्ट प्राइस निकालना है 5 से गुना, 3 × 9, 5 × 15। बोलो मेरे भाई लोग, समझ में आ रहा है बात? जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो, सब लोग बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी नहीं बोलोगे ऐप का लिंक हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, ऐप का लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। ठीक है, ऐप का लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स विथ श्रवण कुमार। देखिए बहुत सारा फर्जी नाम से बना हुआ है तो उस पर हम रोक नहीं सकते उस चीज को, तो आप लोग इसी को ज्वाइन करिएगा, स्पेलिंग सही सही करके इसी पे आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आज जो पढ़ा रहे हैं हम उसका पीडीएफ भी इसी में मिल जाएगा। देखिए, अलका ने घड़ी 480 में बेच दी और उसे 40% का हानि हुआ, 30% का लाभ कमाने के लिए इस घड़ी का विक्रयमूल क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, माना कि क्रयमूल 100, 40% आपका लॉस यानी विक्रयमूल 60 हो गया और 30% का लाभ कमाना यानी 130 का निकालना है, तो यहाँ 480 में बेचा, यहाँ देखिए 480 में बेचा तो 40% का हानि हुआ यानी इसका तुलना 60 से, और 30% का लाभ कमाना है तो 130 से गुना कर देंगे। 0 से 0 खत्म, 8 × 6 = 48, 13 × 8 = 74 से 1040 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसको फ्रैक्शन से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, 40% का मतलब आपका 2/5 और 30% का मतलब 3/10। आप ऐसा कॉस्ट प्राइस मानिए जो 5 से भी कटे और 10 से भी कटे, तो कॉस्ट प्राइस आप 10 मान लेंगे और फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 2/5 के हानि पर हुआ, तो 10 × 2/5 जो हानि होगा वो आपका 4 का हानि होगा, तो 4 का हानि यानी 6 में बेचेगा और सेकेंड सेलिंग प्राइस जो है वो आपका 3/10 का प्रॉफिट हुआ, तो 10 × 3/10 जो होगा वो 3 प्रॉफिट में बेचेगा, तो 10 × 3 = 13। यहाँ फर्स्ट सेलिंग प्राइस 480 है, यहाँ फर्स्ट सेलिंग प्राइस 6 है, सेकेंड वाला निकालना 13 से गुना, तो 13 × 8 = 48, 13 × 8 = 74 से 1040। लेकिन इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा ऐसे सोच सकते हैं, 480 में बेचा तो 40% का लॉस हुआ यानी इसका तुलना 60 से, 30% लाभ पर निकालना है 130 से गुना कर देंगे, कैलकुलेट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। क्या मोनू कुमार इस बैच में रीजनिंग नहीं होगा सर? ठीक है, अच्छा YouTube पे भी हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, जो मेरा सही टेलीग्राम है उसका लिंक भी हम YouTube पे दे देंगे और ऐप का भी लिंक YouTube पे दे देंगे। ठीक है, और दूसरा बात है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसमें रीजनिंग नहीं पढ़ाइएगा, अरे बेवकूफ,
इसमें रीजनिंग काहे नहीं पढ़ाएंगे, जब ही टारगेट बैच है तो रीजनिंग पढ़ाएंगे ही, लेकिन मैथ खत्म हो जाएगा तो रीजनिंग पढ़ाएंगे। और इसमें केवल आपका ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, जीडी और एमटीएस लेवल तक का ही रीजनिंग पढ़ाएंगे, लेकिन उस बैच में आपका जीरो टू हीरो लेवल है, यानी जो भी एग्जाम आपका देंगे वो सबके लिए हो जाएगा, तो इसमें भी रीजनिंग पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, जब वादा ही किया है तो पढ़ाएंगे तो ही पढ़ाएंगे। आठवां बनाइए, आपका आप लोगों का जो बैच है वो कभी खत्म नहीं होगा जब तक कि आपका रिजल्ट ना हो जाए। देखिए, रेनु अपनी घड़ी 960 में बेच दिया और 20% का लाभ हुआ। 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर। देखिए बहुत सारे बालक आंसर दे रहे हैं, अनीश कुमार, अनीता कुमारी, विवेकानंद, मुकेश, जयंत, दीपा, कमलेश, सोनम कुमारी। सर ऐप नहीं चल रहा भैया। मोनू यादव जी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया करके ऐप को अपडेट कर लीजिए, बड़ी कृपा होगी, आपका नाम जीवन भर लेते रहेंगे, चारों लोक में आपका नाम जगमगाएगा, आप एक बार ऐप अपडेट तो कर लीजिए, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सभी जगह आप ही का नाम होगा। देखिए, रेनु ने अपनी घड़ी 960 में बेच दी। भैया अगर सिंपल वाला परसेंटेज है ना तो सिंपल तरीका से ही बनाओ, अगर टफ वाला परसेंटेज है तो फ्रैक्शन से बनाना। यहां देखिए 960 में बेचा कब, जब 20% का लाभ हुआ, इसका तुलना 120 से। और निकालना क्या है सर, रेशियो का नियम है, दिए की तुलना दिए से जो निकालना उसको गुना करेंगे। 60% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो सर जी 160 से गुना करेंगे तो 12 8 96, 16 8 88 से 1280 आपका ऑप्शन एक हो जाएगा। अगले बार से बोलेगा ना कि सर ऐप नहीं चल रहा है और YouTube नहीं चल रहा है, तो पक्का उसको बांध के हम गोड़ हाथ उसका बांध देंगे। अब बांध के उसको जानते हो क्या करेंगे, चमगादड़ छोड़ देंगे उस पर। बनाए इसको, पता है उदय कुमार, हम उदय कुमार के नाम के लड़के को चलिए यहां देख। रेनु ने अपनी घड़ी 520 रुपये में बेच दी और उसे 30% का लाभ हुआ। यदि घड़ी को बेचती और उसे 45% का हानि होती है तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या। सिंपल सवाल, ये आपका सिंपल परसेंटेज है तो सिंपल से बनाओ। 520 रुपया में कब बेचा सर, 520 रुपया में तब बेचा जब 30% का लाभ हुआ, इसका तुलना 130 से। और 45% हानि पर बेचना है तो 55 से गुना करेंगे तो ये 13 से चौका 52 हो जाएगा। 5 चौका 20 और 5 चौका 20 तो 22, आंसर 220 हो जाएगा। चलिए बनाए इसको,
राकेश चौधरी, पता है राकेश नाम के लड़के को हम उल्टा लटका देते हैं सबसे पहले, और उसके बाद उसको कांटों वाले डंडे से पीटते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि ऐप नहीं चल रहा है, और ऐप नहीं चल रहा है तो इसमें आपकी गलती 100% है। ना आप अपडेट करते हैं, ना आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल करते हैं, ना मेरे टेक्निकल टीम से कांटेक्ट करते हैं। हम ऐप को ठीक करेंगे। कल बोलिएगा देखिए, मीनू ने अपनी घड़ी 540 में बेच दिया। अगर 540 में बेच दिया तो जाहिर सी बात है कि 40% का हानि हुआ, यानी इसका तुलना 60 से। अब अगर आप 15% हानि होगा तब 15% होगा तो 85 में आपका आंसर हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 9 6 54, और ये 9 5 45 और 9 8 72, 72 और 4 आपका 76। अरे ये तो ऑप्शन ही गलत है, टाइपिस्ट जो है सो गया है लगता है, इसको 756 और 765 में नजर ही नहीं आता है। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक रखेंगे, यहां से अलग कॉन्सेप्ट है बाबू लोग। कल से आगे बताएंगे, आज यहीं तक रखते हैं। ऐसे भी आज थोड़ा सा हमको जल्दी सोना है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को सुधार लीजिएगा, 756 हो नहीं 765 हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट दिन करेंगे। ठीक है, परसेंटेज जो है आपका, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस जो है इस वीक में खत्म हो जाएगा, और परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अगला टॉपिक हम लोग का SI होगा। ठीक है, तो जाइए खाना खा लीजिए और सो जाना ठीक से, और गुड नाइट। इस बार आपको सुखी संपन्न समृद्ध मंगलमय रखे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, भारत माता की जय, जय हिंद। चलिए।